पर यदि विचार किया जाए, गहराई से सोचा जाए तो मालूम पड़ता है कि सुख और दुख किसका खेल है। संसार को तो बोलती है कि सुख और दुख का खेल है, परंतु सुख दुख किसकी वजह से होते हैं? जी कर्मों की वजह से। जो भी हम कर्म करते हैं उसका परिणाम हमें भी सबसे ज्यादा भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म किए अच्छा परिणाम, बुरे कर्म किए बुरा परिणाम। जब तो अज्ञान वश, विकारों के वश, मनोविकारों के वश होकर के हिंदी कर लिए, चलो को समझ कर गए, बड़े बड़े पाप कर्म तो नहीं करते, छोटे मोटे हो जाते हैं, वो तो हो जाते हैं, लेकिन होने नहीं चाहिए। कई बार कहते तो चलता है ना, चला लेते हैं, परंतु कभी देखा, कभी सोचा कि कभी कोई बड़े पहाड़ से टकरा कर होकर नहीं खाता है, छोटे छोटे पत्थरों से ही टक्कर टकराता है, कर खाता है, गिरता है, बड़े पहाड़ से कभी कोई ठोकर। तो ये जो छोटी छोटी भूलों को हम इग्नोर करते हैं, यही बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं दुखों के। इसलिए छोटी छोटी बातों को भी नहीं चलाना। कल मैंने एक बात कही थी कि यह हमारे क्लोजिंग का समय है, हिसाब किताब जो चल रहे हैं हम सबके सामने त्रेसठ जन्मों के, उनको क्लियर करने का वक्त आ गया है। तरीके बाबा ने बता दिए हैं, या तो वो तरीके अप्लाई करने, या फिर वो अपने तरीके से इन हिसाब किताब को खत्म करेगा। कोई भी कर्म के परिणाम से बच नहीं पाएगा। यहाँ पर ये कर्म सिद्धांत अटूट और अटल है सृष्टि का। वैसे भी कहते ये सृष्टि भूगोल है, भूगोल भूगोल कहते हैं, यानी कि ये भूमंडल गोल है, चारों तरफ से बंद है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जहां से चलोगे, जो जो छोड़ते हुए जाओगे, जब वापस आओगे, वो सब मिलेगा, क्योंकि बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। कांटे छोड़ोगे कांटे प्राप्त होंगे, फूल छोड़ोगे आपके ही मार्ग में फूल खिले हुए मिलेंगे। अब जो हो गया हमसे वो तो हो गया अज्ञानवश, अब उसको तेजी से मुझे लाइक करना है, क्योंकि जब भी पाप कर्म सामने आता है तो किसी न किसी कष्ट को, रोग को, शोक को, या किसी न किसी तरह से मनमुटाव को, असफलता को, पराजय को हमारे सामने लेकर आता है। अब अगर हम इन्हीं में ही अटकते रहे तो पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। जो हमारा प्रभु मिलन होना चाहिए शांत चित्त मन से, जो उसकी वाइब्रेशन हमें ग्रहण करनी चाहिए, उस पर मन एकाग्र करके उसकी शक्तियों को रिसीव करना चाहिए, वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यही जैसी आवश्यकता है पुण्यों में वृद्धि करेगा। घबराने की बात नहीं है, अगर आज जीवन में कुछ भी मनानुकूल नहीं हो रहा है, बहुत तकलीफें हैं, कष्ट हैं, रोग शोक हैं, मनमुटाव हैं, असफलताएं हैं, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो कन्फर्म है कि मेरा ही किया हुआ मेरे सामने आया है। इसीलिए पहली बात एक्सेप्ट करें, हम दोषी कोई और नहीं, निर्दोष दृष्टि और हौसला भी ना हारे, क्योंकि गिरते वही हैं जो चलते हैं, जो चलते ही नहीं वो तो गिर
कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, भोगनाएं बहुत हैं, तो तेजी से अपने पुण्य कर्म में वृद्धि कीजिए, क्योंकि जब पाप का प्रभाव चरम सीमा पर होता है तो भोगनाएं भी कष्ट भी चरम सीमा पर होती है, और जैसे ही पुण्य का प्रभाव बढ़ेगा पाप का प्रभाव डाउन हो जाएगा, और जैसे पाप का प्रभाव डाउन होगा तो उसके द्वारा जो कष्ट भोगनाएं आ रही हैं वो अपने आप डाउन हो जाएगी। तो घबराने की जरूरत नहीं, बस आवश्यकता इतनी है कि जितने पाप किए अब उससे कहीं ज्यादा मैं पुण्य कर्म कर लूं। अब दो तरीके हैं, गिलास में गंदा पानी है या तो आप उसे उलट कर फेंक दीजिए, अगर इतना नहीं कर सकते तो साफ नल के नीचे उस गंदे गिलास के पानी को रख दीजिए, थोड़ी देर के बाद आप क्या देखेंगे, गंदा अपना बाहर और साफ। पुण्य करते रहिए करते रहिए करते रहिए, पाप निकलता जाएगा और एक दिन पुण्य का प्रभाव भारी हो जाएगा, पाप का प्रभाव डाउन हो जाएगा। दूसरे की हमारी बड़ी बोझ में चल रही है, महल मारियां गाड़ियां सब कुछ तो है हमारे पास, हमें क्या करिए पाप पुण्य के, तो इतराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं कमाई कर नहीं रही हूँ, सेविंग मेरी हो नहीं रही है, जो जमा है बस निकाल रही हूँ खा रही हूँ, निकाल रही हूँ खर्च कर रही हूँ। अब सोचिए जिस दिन ये बैलेंस मिल हो जाएगा, क्योंकि कमाई कुछ नहीं सेविंग कुछ नहीं, अगर ये बैलेंस मिल हो गया उस दिन मेरी स्थिति क्या होगी, खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। हो सकता है कि खाना खाना तो सामने हो पर मुंह काम न करे, इसलिए दोनों ही स्थिति में, चाहे स्थिति सुख में है चाहे समय मेरे अनुकूल है, चाहे स्थिति दुख में है चाहे समय मेरे अनुकूल नहीं है, दोनों ही स्थिति में मुझे पुण्य कर्म चाहिए, ये मेरी असली पूंजी है, असली कमाई है, ये है दौलत, हर दिन कमाऊं हर दिन जमा कर दूं। तो पुण्य इमीजिएटली कैसे कैसे बढ़ते हैं, उसमें से एक टॉपिक काफी बार उन्होंने सुना भी होगा, लेकिन बहुत इसकी डिमांड आई है, रिक्वेस्ट हुई है, तो मैं फिर से इसको लेकर आ रही हूँ आपके बीच में। इमीजिएटली पुण्यों में जो वृद्धि होती है वो कैसे होती है, इमीजिएटली जो पुण्य का प्रभाव तेजी से काम करता है वो कैसे होती है। ऐसे तो भगवान से हमारे सभी रिश्ते हैं, कहा भी गया स्वामेव अमातर्श पिता को मैं, तुम्ही बंधु तुम्ही सखा तुम्ही गुरु तुम्ही देव सब कुछ तुम हो, सारे रिश्ते भगवान से बना सकते हैं, परंतु हम बाबा के बच्चे विशेष तौर पर तीन संबंधों में बने रहते हैं उससे, एक नेचुरल नेचर जो बन गई है हमारी कॉमन वो गया है जो हमारे लिए बाबा से रिश्ता वो कौन सा है, बड़ा नेचुरल सा रिश्ता जो बन गया है वो है बाबा का, यानी के पिता। जब हम उसके महावाक्य सुनते हैं तब वो हमारे सामने किस रूप में उपस्थित होते हैं, शिक्षक। एक और तीसरा बड़ा भारी बड़ा इम्पोर्टेंट रिश्ता भगवान के साथ है, जो थोड़े बिस्तरे रहते हैं हम, वो कौन सा है, परम सदगुरु। और ये रिश्ता ऐसा है कि यदि एक बार मेरी ओर से मेरा सदगुरु राजी हो जाए प्रसन्न हो जाए तो फिर जो भगवान के बारे में कहावत है कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर लेता है, ये उसके बारे में गाय है, क्योंकि पिता और टीचर के सामने कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। पिता के पास जितना होगा ना उतना ही बच्चों को देगा, और जितने बच्चे होंगे उतनों को बात कर देगा, भले उनमें से एक अदरणीय पुत्र क्यों ना हो, उसका एक अति प्रिय पुत्र क्यों ना हो, परंतु पिता की ये लिमिटेशन है। छात्र स्टूडेंट कितना भी प्रिय क्यों ना हो शिक्षक का, परंतु यदि पढ़ाई में कमजोर है तो नंबर भी वैसे ही होंगे, प्रेम अलग जगह है और उनकी
उनकी लिमिटेशन अपनी अलग जगह है, परंतु ये जो सदगुरु का रिश्ता है ये अनलिमिटेड है, इसकी कोई लिमिट नहीं। अगर एक बार ये हम पे प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, तो अपनी नवनीति समस्त शक्ति समस्त सिद्धि अपने सारे वरदान दुआएं ब्लेसिंग साथ सब कुछ नौछावर कर देता है। इसके सामने के कोई लिमिटेशन नहीं है। अब मुझे परम सदगुरु को राजी करना है, बहुत लिमिटेड टाइम है मेरे पास, राजी करना है उसको। इस तरह से राजी करना है कि जब मेरी आंख खुले उदय सूरज के साथ मेरा भाग्य भी उदय हो जाए, हर सुबह मेरी गोली गिफ्ट से शुरू हो, कोई सुबह ऐसी ना जाए जब गोल की तरफ से मुझे गिफ्ट प्राप्त ना हो। और कभी तो उसने गिफ्टें बांटी हैं, तभी आज तक गायन है कि ये मेरे पास गोल ही गिफ्ट है। अगर ना बांटता तो ये कहावत भी ना होती। तो हर सुबह उससे गोली गिफ्ट लेनी है। आप खुलते ही कुछ ना कुछ वरदान ले लीजिए, कुछ ना कुछ ड्रेसिंग ले लीजिए, दुआएं ले लीजिए, कुछ ना कुछ उसका प्रेम हासिल कर लीजिए, उसके रहस्य जान लीजिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गिफ्ट हो जाएगी सदा के लिए। परंतु उससे पहले मुझे उससे प्रसन्न करना है। बस वो इजीली प्रसन्न नहीं होता, पिता तो हो जाता है, माता भी हो जाती है, उसको प्रसन्न करने के लिए उसके दिल तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अब अगर मुझे किसी को प्रसन्न करना है, राजी करना है, तो मैं दो बात का विशेष ध्यान रखती हूँ, इसे पसंद क्या है और नापसंद। जो पसंद है वो मैं बार बार करूंगी और जो नापसंद है वो बिल्कुल नहीं करूंगी। अब मुझे ये देखना है कि परम सदगुरु को पसंद क्या है, क्या पसंद है इसको जी? अति प्रिय, उसका फेवरेट, सच्चाई सफाई। और क्या पसंद है परम सदगुरु को? पवित्रता पसंद है। और जी समर्पण पसंद है। और बताइए, दिल का प्यार पसंद है। और क्या पसंद है? भगवान के संबंध में, जो परम सदगुरु के संबंध में आता है, भक्ति मार्ग में भी वो परंपरा चालू है और ज्ञान मार्ग में भी चालू है, जो अति पसंद है। दृष्टि और आज भी चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ब्राह्मण परिवार में वो रीति रिवाज, वो परंपरा आज भी चालू है, उसको पसंद कर लेते हैं। बताइए, भोग। परम सदगुरु को विशेष गुरुवार का भोग बहुत पसंद है, अति प्रिय है उसको, उसका फेवरेट है वो। इसीलिए देखिए ज्ञान मार्ग में भी उसको हम भोग की ऑफर करते हैं। कई पढ़े लिखे भाई बहने आते, कहते बहन जी ये भोग पहुंचता है कि नहीं भगवान के पास? ये खेल पाल है। जैसे भक्ति मार्ग में भी भक्त जानते हैं भगवान को क्या पसंद है, जहां भगवान वहां प्रसाद, बिना प्रसाद के भगवान अधूरा, भक्ति अधूरी, कर्मकांड अधूरे। सबसे पहले क्या चाहिए? प्रसाद चाहिए। पूजा से भी पहले क्या चाहिए हाथ में? क्या घनिष्ठ रिलेशन है दोनों का, भगवान और प्रसाद का गजब का रिश्ता है। बिना प्रसाद के भगवान अधूरा है। देखिए व्यक्ति जन्मता है तो प्रसाद, उसके जीवन में जो भी शुभ संस्कार होते हैं तो प्रसाद, इवन जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है, उसका अंतिम संस्कार होता है तो भी प्रसाद। हिंदू धर्म में तो ये मान्यता है कि जब तक उसके नाम का प्रसाद पंडितों को ना खिला दिया जाए, तब तक आत्मा भटकती रहेगी। इसीलिए तेरमा तेरा पता नहीं क्या क्या करते हैं, मान्यता है ये करेंगे ही। जबकि हमने ये देखा है कि मंदिर में जाते थे, प्रसाद का दाना एक भी इधर से उधर नहीं,
भोग लगाते हैं खाली झूठी तू। इतना सारा काम कर भी तो इधर से उधर नहीं होता। प्रभु कर रहे हैं, प्रभु कर रहे हैं। क्या है ये भोग, ये प्रसाद क्या है? क्यों भगवान को अति प्रिय है कि भक्त भी जानते हैं इस वीकनेस को भगवान की, और उसी नवश को दबाते हैं जो उसकी कमजोरी है। हे भगवान, तू मेरी ये मन्नत पूरी कर दे और फिर मैं क्या करूंगा। लेकिन इतना बढ़िया नस दबाते हैं उसकी, क्योंकि वो भी क्या है, इसको बहुत पसंद है, उसका फेवरेट है। माने गए, लीजिए गए, खुश हो गए, और 5 लाख की मन्नत पूरी करा लेते 5.25 रुपए के लड्डू के चक्कर में। तो वो भोलानाथ अति प्रसन्न हो जाते हैं उस लड्डू के चक्कर में, ठीक है ना। तो ये भोग है क्या? जब दाना इधर से उधर नहीं होता, और प्रति हम लगाते आ रहे हैं, जब से आप जानते हो, चाहे 15 से 7 से हो, 20 से हो, 25-30 से हो, कोई गुरुवार देखा जिस दिन भोग न लगाओ है, देखा पॉसिबल ही नहीं है, लगता ही है कुछ भी हो जाए। तो है क्या ये भक्ति मार्ग में भी ये रस्म चली आ रही है सदियों से, और ज्ञान मार्ग में भी चली आ रही है। एक्चुअली हमारे दिल की निस्वार्थ भावनाओं का प्रतिरूप है ये भोग, जो हमारे दिल में भगवान के प्रति स्वच्छ स्नेहमय शुद्ध भावनाएं हैं, जिनमें कोई स्वार्थ नहीं, जिनमें कोई कामना नहीं, उसका स्थूल रूप में जो हम रूप दिखाते हैं वो ये प्रसाद और भोग है। इसमें से हमें दाना इधर से उधर ना होता हो, परंतु एक चीज भगवान इसमें नहीं छोड़ता, और वो है मेरी भावना है। उसे खींच लेता है, उसे उसमें नहीं छोड़ता, मेरी भावनाओं का रसादन करता है। बड़ी अजीब सी बात हुई है सृष्टि पर की, जो सृष्टि का पालन करता है, जो संपूर्ण सृष्टि की पालना कर रहा है, अब वो खुद भूखा है। सुनी कभी ने बात, एक व्यक्ति रोज 500 लोगों को भोजन खिलाता हो और स्वयं भूखा रहता हो, इस सृष्टि की पालना करने वाला खुद भूखा है। किसका भूखा है? भगवान। भावनाओं का भूखा है, और भाड़ा किसका देता है? भगवान भाड़ा किसका देता है? लड्डू का, हलवे का, पूरी का किसका देता है? भावनाओं का। भोग और कुछ नहीं, प्रसाद और कुछ नहीं, सिर्फ मेरे दिल की भावनाओं का प्रतिरूप है वो भूखा भगवान, उसमें से मेरी भावनाओं को खींच लेता है, और आनंदित तो होता है, तृप्त तो होता है, प्रसन्न होता है, राजी होता है। और जब वो आनंदित तो होता है, तो फिर नीचे वाले को भी आनंदित कर देता है। जब वो खुद प्रसन्न होगा, राजी होगा, तृप्त तो होगा, तब वो भी क्या करता है, ऐसी कृपा दृष्टि बरसाता है कि वो भी तृप्त तो हो जाते हैं। परंतु कंडीशन है भावना। हम स्वार्थ से जो उसको यूज कर रहे हैं वो नहीं। तो मैंने एक बात कही कि कई भाई बहनों के संकल्प चलते हैं कि भोग भगवान तक जाता भी है या यूं ही खेल पाल है ये सब, क्योंकि कई बार बाबा ने मुरली में बोल भी दिया, निराकार भगवान है, उसको मुख तो है नहीं, वो थोड़ा ही भोग खाता है, भोग भले ना खाता हो परंतु एक चीज वो छोड़ता, वो क्या नहीं छोड़ता, वो भावनाओं की भासना लेता है। और ये खेल पाल है ये क्यों कहा कुछ भाई बहनों ने बीच में, अपने स्वार्थ के लिए, अपना काम साधने के लिए, नाम शान के लिए इसका मिस यूज किया। भोग लगाने बैठे, एक्टिंग शुरू कर दी, टेढ़े मेढ़े पोज दे करके, मेरे में तो मम्मा आती है, जो बेवकूफ बन सको बन जाओ। किसी ने तो सीधा अनाउंस कर दिया कि शिव बाबा ही मुझ में आता है,
कोई उनसे पूछे कि मुकर्रर देह है केवल ब्रह्मा बाबा, अभी भी सूक्ष्म शरीर में प्रवेश होता है, फिर गुलजार दादी के तन में आता है। और गुलजार दादी जो खुद बाबा ने बताया कि पिछले 7 जन्मों से बिल्कुल प्योर पवित्र आत्मा है, तो उसका ब्रेन महाशक्ति को महाज्योति को 2-2 घंटे तक 4-4 घंटे तक रिसीव करने की ताकत रखता है। हर एक का ब्रेन तो उसे धारण कर भी नहीं सकता। एक साधारण सी आत्मा किसी में घुस जाती है तो भी पूरा हिलना शुरू कर देते हैं, वो तो महाज्योति है। उसके लिए मुकर्रर रत है, वो क्यों मेरे तुम्हारे शरीर में आएगा? आएगा क्या? तो इन डोंगियों से बचिए। जब तक बाबा अनाउंस ना करते नेक्स्ट रथ कौन होगा, तब तक कोई नहीं, जैसे चल रहा चलता रहेगा। इसीलिए अपोजिशन भी बहुत है, अपोजिट पार्टियां भी बहुत है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। अभी बिल्कुल मेरी परख शक्ति ऐसी होनी चाहिए कि मैं ब्राह्मण के वेश में आए रावण को पहचान सकूं। भले कितने भी वेश बदल कर आए, परंतु अष्ट शक्तियों में जो ये परख शक्ति है, अब ये काम में आने वाली है। जैसे शक्ति थी हमारी ममा की, बहुत ब्यूटीफुल हार विश्व महारानी लक्ष्मी रूपा कैसी होगी आप सोच सकते हैं। बहुत आकर्षित होते थे लोग उन पर। एक ऐसे ही अपनी गंदी भावना लेकर मम्मा के पास आया, उनके ऊपर मोहित होकर। मम्मा बाबा गोद दे रहे थे, उस समय था कि मम्मा बाबा गोद में लेते थे सभी को। वो 4 माताओं के पीछे बुरी भावना लेकर आया हुआ भाई भी खड़ा था, लेकिन मम्मा ने 4 माता